गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम अपना T1 का लेसन जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी में दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी थी, एक तो प्लांट्स थे, प्लांट्स के बारे में वो हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। इस वीडियो में हम जो बचा हुआ लेसन है वो कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? इट रिप्रेजेंट्स ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग इन दियर नेचुरल हैबिटेट। जो भी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जो हमारे घर में होते हैं, पालतू जानवरों के अलावा जो भी जानवर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ। वो ज़्यादातर नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो किसी बने बनाए घर में नहीं रहते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट चाहिए उनको, जंगल फॉरेस्ट चाहिए। कहता है विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड नंबर आल्सो लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस, द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, दैट इज काजिंग ए सीरियस थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। इंसान जो हैं वो अपने मतलब के लिए, जैसे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिमांड्स भी बढ़ रही हैं, तो इंसान क्या करता है कि अपने मतलब के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करे या कहीं भी या और किसी इस्तेमाल के लिए ज़मीन इस्तेमाल करे अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, तो उस वजह से नेचुरल हैबिटेट जो है वो ऑर्गेनिज्म का तबाह हो जाता है, जानवरों का जो है नेचुरल हैबिटेट वो तबाह हो जाता है और वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। अगर हम देखेंगे काजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या काजेज हैं जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो ख़त्म हो रही है? सबसे पहला काज जो है इसमें हैबिटेट लॉस। जो हैबिटेट लॉस अभी हम डिस्क्राइब किया हमने कि हैबिटेट कैसे लॉस हो जाता है। समटाइम द काज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द लॉस ऑफ दियर हैबिटेट, दैट इज द प्लेस वेयर दे लिव एंड डवेल्प, जहाँ पर वो डवेल्प करते हैं, रहते हैं, वो जगह जो है वो उनका हैबिटेट होता है, और वो जो अगर ख़त्म हो गया तो जानवर जो हैं वाइल्ड लाइफ को भी एक धचका पहुँच सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेट चेंज होगा तो वाइल्ड लाइफ को बहुत बड़ा असर पड़ता है इससे। एज़ वी नो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंजेस कैन एक्चुअली काज डिजास्ट्रियस लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए स्लाइट ड्रॉप और राइज इन एवरेज रेनफॉल, अगर ज़्यादा या कम बारिश हुई एवरेज से ज़्यादा या कम, तो उससे क्या होगा कि जो जानवर जो होते हैं हाइबरनेशन में, जो जिनको हम बोलते हैं ये जो समर स्लीप, ये विंटर स्लीप, जो सर्दियों में जानवर को जैसे सांप वगैरह है बेहोश पड़े रहते हैं, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, और उनका पीरियड बढ़ जाता है, तो कितना फ़र्क पड़ता है क्लाइमेट से। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो नेचुरल हैबिटेट को भी, नेचुरल वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी फर्क पड़ता है। फिर अगला काज जो है पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स। ये हम दवाई डालते हैं कहीं भी खेतों वगैरह में, तो उससे कई जानवर जो हैं वो उनको अफेक्ट पड़ता है, वो मर जाते हैं उससे, तो इसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ को एक धचका लगता है। इसी तरह से हंटिंग एंड पोचिंग। हंटिंग हो गया, हम शिकार करते हैं जानवरों का, तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हम मार रहे हैं। दूसरा जो है पोचिंग, उनके पार्ट जो है हम उनको बेचते हैं, पोचिंग उनके कोई भी पार्ट अगर जानवरों का जो है वो हम हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको बेचें, तो वो भी जो है वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचता है इससे, जो उनको मार दिया जाता है जंगली जानवरों को। फिर नेचुरल फेनोमेना जैसे फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक्स, इसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ को बहुत नुकसान पहुँचता है। फिर है पल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से कई गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं और वो जानवरों के अंदर चला जाती हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और वो इस वजह से भी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ तो खत्म हो रही है, इसको हम बचाएंगे कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे अब डिटेल में कि कैसे हम बचाएंगे वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इट रेफर टू प्रजर्वेशन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड दियर एनवायरनमेंट। हम इसकी प्रजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और उनके साथ साथ उनके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे। उस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे कंजर्वेशन। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हम करेंगे ये हम अब हम डिटेल में डिस्कस। इनको कंजर्व के लिए हम फॉलोइंग एक्टिविटीज करेंगे। पहला है द इन एक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उनको हम इस्तेमाल में लाएंगे। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ रेयर स्पीशीज, जो बहुत कम स्पीशीज बची हैं हमारे पास उनकी प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसे पाइथन है, एलिफेंट है और टाइग्रस है। ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग दियर हंटिंग, इसको हम शिकार से बचा सकते हैं इन एक्ट को लागू करने से। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हम एस्टेब्लिश करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इनको हम एस्टेब्लिश करेंगे। इट कंजर्व्स बायोटिक कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को जो है इनको बचाने में मदद मिलेगी बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश करने से। फिर हम तीसरा इसमें जो तीसरे तरीके से जो कंजर्व कर सकते हैं स्पीशीज प्रजर्वेशन एंड असेंबलीज प्रोटेक्शन, इसमें आएगा कि हम सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो हैं ये एस्टेब्लिश करें ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं उनको हम प्रजर्व कर सकें। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल पार्क और सेंचुरीज क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होती है। इट इज एन एरिया रिजर्व फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट इज स्ट्रिक्टली बैन द एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा। नेशनल पार्क में आप ये एरिया रिजर्व है फॉर वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो नहीं हो सकती है, इधर पूरी तरह से बैन होता है। इतना भी के इतने तक यहाँ पर आप एज ए पिकनिक भी नहीं जा सकते हैं नेशनल पार्क में, ये पूरी तरह से बैन होती है। अगर हम सेंचुरीज की बात करें तो इसमें कुछ छूट होती है, सेंचुरीज में थोड़ी बहुत छूट होती है। इट इज एन एरिया प्रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ऑपरेशंस लाइक कटिंग टाइम्बर ट्रीज, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा आर अलोड, ये इसमें अलोड है। तो अगर हम देखेंगे इसमें कुछ भी अलोड नहीं है, इसमें हम थोड़ा बहुत प्लांट्स प्रोडक्ट या कलेक्ट कर सकते हैं, लोग इसमें ले सकते हैं जानवर वगैरह चुराने के लिए ले सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल इसके रूल सख्त हैं, मतलब नेशनल पार्क के रूल सख्त हैं, सेंचुरीज में थोड़ी बहुत छूट है। तो बायोस्फीयर में रिजर्व अगर देखेंगे हम तो इसमें बहुत ज़्यादा छूट है। इसमें कुछ ये जो है लोग ट्राइबल लोग जो हैं ये इसमें सेटलमेंट भी कर सकते हैं, झोंपड़े वगैरह बनाकर भी रह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। तो बायोस इट इज द एरिया वेयर ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में ही रहेंगे। वैसे ही इट प्रमोट्स रिसर्च इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के रिसर्च होती है यहाँ पर। इट्स एम इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए यहाँ बच्चों को लिया जा सकता है। ह्यूमन सेटलमेंट इज अलोड, यहाँ पर झोंपड़े बनाकर इंसान रह सकते हैं। इट मे हैव वन आर मोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर नेशनल पार्क, मतलब एक अगर हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर दो तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क भी हो सकती है उसके अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो होंगी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। ये कंसिस्ट ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क, इसमें एक नेशनल पार्क है एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोरी एंड पचमाड़ी, तो दो हैं इसमें। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम से तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व पूरा, ये आ गया बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें क्या है ट्रांजिशन जोन, बार वाला जोन जो है ये ट्रांजिशन जोन है। इस ट्रांजिशन जोन में हम इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज
होंगी। ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं इसमें, ये ट्रांजिशन जोन है। उसके अंदर फिर दूसरा जोन जो है वो है हमारा बफर जोन। बफर जोन में मीडियम ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, थोड़ी बहुत इसको हम मानेंगे। जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व था, इसको हम बोल देंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मीडियम मीडियम ह्यूमन एक्टिविटीज होगी इसमें, ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये जो है कोर जोन, इसको हम समझेंगे नेशनल पार्क के हिसाब से। नेशनल पार्क यहाँ पर पूरे तरीके से जो है पाबंदियां होंगी, यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। इसे फुली रिस्ट्रिक्टेड जोन है, ये फुली रिस्ट्रिक्टेड जोन। सिर्फ रिसर्चर्स जा सकते हैं, एक्सेप्ट रिसर्चर्स जा सकते हैं, बाकी पूरी तरीके से ये होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन। यहाँ पर बहुत पाबंदियां होती हैं, यहाँ के इसके रूल सख्त होते हैं। कहने का मतलब है कि नेशनल पार्क में रूल सख्त होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ी बहुत छूट होती है, और बायोस्फीयर रिजर्व में लोग रह भी सकते हैं झोंपड़ा बनाकर। अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या फर्क है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? इसमें ग्रेजिंग इज अलाउड, इसमें ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड है। इसमें नेशनल पार्क में आप लाइव स्टॉक को नहीं ले सकते चराने के लिए, इसमें ले सकते हैं, इसमें ग्रेजिंग हो सकती है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, इसमें कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो एलो हैं। इसमें नो सेटलमेंट, इसमें आप कोई झोंपड़ा नहीं बना सकते हैं, और कोई इसमें भी नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में बना सकते हैं आप। इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, इसके कायदे कानून जो है वो ज़्यादा सख्त हैं। इसमें लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, कम प्रोटेक्शन है। इसमें पीपल कैन नॉट कलेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते इसमें नेशनल पार्क से, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा जाए तो ये कलेक्ट कर सकते हैं फायरवुड, फ्रूट्स, लीव्स वगैरह। यहाँ से कुछ ट्राइबल कास्ट के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा एंडेमिक स्पीशीज। वो कौन सी स्पीशीज हो गई जो पर्टिकुलर एरिया में हो? दीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया में किसी खास एरिया में ही रहे, वो बाकी जगह नहीं मिलेंगी ये स्पीशीज, उनको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। इसमें जैसे वाइल्ड मैंगो है, जी एंट स्क्वायरल है, साल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, और फ्लोरा एंड फना ऑफ द पंचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ के हैं? ये सारे मिलेंगे आपको पंचमाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ये उसी एरिया में मिलेंगे, बाकी जगह पर नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। अगला है हमारा इनडेंजर्ड स्पीशीज। इनडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज हो गए, वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो अब यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, जो अर्थ से अब ख़त्म हो रहे हैं। इनके थोड़े बहुत ही चंद नंबर बचा है इनका, बाकी ये ख़त्म हो रहे हैं, उनको बोलेंगे हम इनडेंजर्ड स्पीशीज। दो स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुज नंबर आर डिमिनिश्ड टू ए लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंक्शन आर नोन एज इनडेंजर्ड स्पीशीज। ये अब ख़त्म होने पर हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं ये, तो इनको बोलेंगे हम इनडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे हमारा लाइन है, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारा सिंगा, टाइगर वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट एफर्ट टू सेव देम। इनको गवर्नमेंट इनको बचाने में काफ़ी जदोजहद कर रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको बचाया जाए, नहीं तो ये स्पीशीज हमें देखने के लिए भी नहीं मिलेंगी थोड़े से समय के बाद। अगला है हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट हो गई जो इस धरती से खत्म हो चुकी हैं, जो स्पीशीज जो ऐसे जानवर या पौधे जो जमीन पर अब है ही नहीं, इनको आप हम बचा भी नहीं सकते हैं, बचाने के लिए बचे ही नहीं है ये, इसलिए इनको बोलेंगे हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे हमारा डायनोसोरस है। एक और टर्म है हमारा फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना क्या हो गया? फ्लोरा हो गया प्लांट्स, जो भी जमीन पर प्लांट्स हैं, अर्थ पे जो भी प्लांट्स हैं वो हो गए फ्लोरा, और जो भी एनिमल्स हैं वो हो गए फना। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं उनको हम बोलेंगे फ्लोरा एंड फना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फना ऑफ दैट एरिया। उसको उस एरिया का हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा एंड फना। ये फ्लोरा एंड एक और टर्म आती है हमारी, उसको बोलते हैं स्पीशीज। स्पीशीज क्या हो गई? दे आर द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन
group of population capable of interbreeding and have common characteristics. इनके ये इंटरब्रीड करते हैं और इनके कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं. और दरअसल में वो एक और बात होती है कि जो स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं ये एक ही पॉपुलेशन के होते हैं, एक ही. जैसे बकरियां हैं तो सारी बकरियां ही, जैसे गोट्स या शिप्स, शिप्स की एक पॉपुलेशन है तो उसको भी हम एक स्पीशीज बोलेंगे. इसी तरह एक डंकीज हैं, वो एक पॉपुलेशन है तो वो एक अलग से पूरे वो उसको भी हम स्पीशीज बोलेंगे. एक पूरी पॉपुलेशन एक ही किस्म के ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम स्पीशीज बोलते हैं. और वो इंटरब्रीड करें और साथ में वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करें, उनकी औलाद जो होगी वो भी आगे बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, वो भी अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं. अगर फिलहाल तो अगर डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में इंटरब्रीड ही नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो ऑफ स्प्रिंग्स जो होगी वो सटराइल प्रोड्यूस होगी. जैसे आप बात करते हैं डंकीज की और मेयर, अगर ये इंटरब्रीड करते भी हैं लेकिन इनकी ऑफ स्प्रिंग्स जो होती है म्यूल तो वो सटराइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं. तो इस किस्म के ऑर्गेनिजम्स को एक ही पॉपुलेशन के हों जो इंटरब्रीड करें उनको हम स्पीशीज बोलेंगे. दे आर द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज. अगला है रेड बुक, रेड डाटा डेटा बुक. रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है के उस बुक को हम बोलेंगे रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक. अगला जो टॉपिक है हमारा वो है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि प्लांट्स तो मोमेंट करेंगे नहीं इसलिए हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे खाली मोमेंट्स एनिमल्स की होगी. एक जगह से दूसरी जगह वो किसके लिए जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास रेड नॉट, ये बर्ड है, ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, ये इसकी माइग्रेशन होती रहती है. इट आकर्स ड्यू टू, या तो ये जाते हैं सडन क्लाइमेटिक चेंज, या तो कहीं मौसम में तब्दीली आती है उस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को बचाने के लिए चला जाते हैं, या फिर टू फाइंड फूड, या फिर ये खुराक की तलाश में जाते हैं, या फिर फॉर ब्रीडिंग पर्पज. इसके लिए ये माइग्रेशन होती रहती है ये प्लांट्स में. ये प्लांट्स में तो माइग्रेशन होगी नहीं, खाली एनिमल्स में ही माइग्रेशन होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं. सारे नहीं चलते हैं, कुछ एनिमल्स जो चलते हैं जिनकी माइग्रेशन होती रहती है वो क्या है, मोमेंट है. मोमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है, उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं. अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया था टाइगर की पॉपुलेशन को बचाने के लिए. इट इज़ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. क्योंकि ये खत्म हो रहे हैं, अब इनकी पॉपुलेशन खत्म हो रही है हमारे मुल्क से, इसलिए इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था इंडिया गवर्नमेंट ने, उसी को हम बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर. अब हमारा लास्ट टॉपिक है आपके लेसन का, व्हाट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग क्या होती है पेपर का? इट इज द रीयूज ऑफ यूज्ड पेपर इन ऑर्डर टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एज इट कैन बी प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन. तो आपको पता है कि पेपर जो है ये भी पौधों से ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए अगर हम इनका रीयूज करेंगे तो हम पेड़ पौधों को ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, नहीं लाएंगे, और उनकी हम इस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, हम पौधों को, हम नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं अगर हम रिसाइकलिंग करें, रीयूज करें पेपर्स का, तो इसको बोलेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. अब हम कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखेंगे विद रेफरेंस टू J&K, जम्मू एंड कश्मीर. तो इसमें देखिए डच्ची गाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, श्रीनगर में है ये. इसमें ज़्यादातर एनिमल मिलेंगे आपको हंगुल और डियर. फिर एक कश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ये आपको पता है कश्तवाड़ में ही है, तो इसका ये इसमें मिलेगा हमें मस्क डियर. फिर एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें आपको एनिमल मिलेगा नीलगाय. तो ये कुछ हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं J&K में, और भी बहुत सारी हैं. अभी इतने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क
और भी हैं। इसके साथ ही आपका ये T1 का पहला लेसन खत्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर जो है, अगला यूनिट जो है, वो दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। फिर हम एक साथ मिलेंगे दूसरे यूनिट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, शुक्रिया।